ख्वाजा गरीब नवाज क्या फरमाते हैं, आप फरमाते हैं खुदा का दोस्त वो है जिसमें तीन खूबियां हों। अल्लाह करे कि ये तीनों खूबियां हमारे अंदर आ जाए। क्या बात है, जुमले भी कैसे प्यारे हैं। अल्लाह का दोस्त वो होता है जिसमें तीन खूबियां होती हैं। आप फरमाते हैं सखावत दरिया जैसी, शफकत आफताब जैसी, सूरज जैसी, ठीक है, और फरमाया आजजी जमीन जैसी। क्या बात कर गए मेरे ख्वाजा, अल्लाह अब समझो इस बात को। दरिया जो होता है ना, दरिया सिंध है ना आपका, उसमें बारिश का साफ सुथरा पानी भी गिरता है वो उसको भी वेलकम करता है, और नाले का गंदा पानी गिरता है वो उसको भी वेलकम करता है, वो सबको लेकर चलता है। दरिया नहीं कहता नाला नहीं आ सकता, गटर का पानी नहीं आ सकता, आप वुजू करें या इस्तंजा करें, दरिया में सब मिल जाता है। दरिया सबको लेकर चलता है, दिल कर लो दरिया जैसा। कोई बुरा भला भी कहे तो उसे भी माफ, कोई तारीफ करे तो वो भी मेरा भाई, आप कोई क्रिटिसाइज करे तो कोई बात नहीं, दरिया की तरह रहोगे तो जिंदगी बहुत अच्छी गुजर जाएगी। और ये आदत किसकी है, अल्लाह के दोस्त की, ठीक है। तो खुदा का दोस्त वो है जिसमें तीन वस्फ होंगे। अच्छा, फिर सखावत दरिया जैसी। आप लोग कहते हैं मैं अपने जानने वालों को ही बांटूंगा, नहीं, मुस्कुराहट बांटो सबको, सलाम करो सबको, सदका बांटना है। अरे मेरी बरादरी का है कि नहीं, मेरे शहर का है कि नहीं, मेरे मुल्क का है कि नहीं, मेरे आका का उम्मती है, ये मेरा भाई है, गरीब है, चलो जनाब इसकी भी मदद कर देते हैं। अल्लाह करे कि ये दिल दरिया जैसा हो जाए, सखावत दरिया जैसी। अब फरमाते शफकत आफताब जैसी। शफकत कैसे आफताब जैसी, सुबह सूरज निकलेगा तो कभी आपने देखा कि सूरज डिसाइड कर ले कि आज जनाब सिर्फ पैसों वालों को रोशनी देनी है, गरीबों को नहीं देनी? नहीं जनाब, सबको देता है। चलो सूरज ये तो तय कर सकता है ना, अल्लाह का बनाया सूरज है, जो ईमान वाला है उसी को रोशनी देंगे, गैर मुस्लिमों को नहीं देंगे, ऐसा भी नहीं। अल्लाह के नाफरमानों को भी रोशनी दे रहा है, हैं, गरीबों को भी दे रहा है, अमीरों को भी दे रहा है, हर किसी को इक्वली रोशनी बांटता है। तो शफकत और प्यार आकाश सूरज जैसा हो जाए, जो मेरे पास आए वो खुश होकर जाए, मेरी मुस्कुराहट लेकर जाए, मेरी नरमी लेकर जाए। हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा कुछ लोग होते हैं ना हुस्ने अखलाक वाले, वो उनके पास तीन चार किस्म के चेहरे होते हैं। उनकी दुकान में कस्टमर आ जाए, अरे आजी साहब कैसे हैं, ठीक है माशाल्लाह, बड़े दिनों बाद, आइए आइए बैठिए बैठिए, चाय पियेंगे, अच्छा खाना खाया कि नहीं खाया? बंदा बोले यार इससे बड़ा शफकत वाला कोई नहीं है। जैसे ही ग्राहक गया फौरन अपने मुलाजिम को गाली देगा, इधर आ, अभी तक बर्तन नहीं उठाए, आदमी है जानवर है? थोड़ी देर पहले तो हाजी साहब मरहबा चाय पियेंगे, ये दूसरा वाला चेहरा फौरन बटन दबा और पूरा रुख ही चेंज हो गया। ये आफताब वाली शफकत नहीं है। आफताब सबको शफकत देता है, सबको रोशनी देता है, मुलाजिम हो या सेठ हो, बीवी हो या बच्चे हो, माँ बाप हो या पड़ोसी हो, अरे जानता हूं या ना जानता हूं, मेरा भाई मुझसे मिला है कुछ प्यार के बोल ही लेके चला जाए।